नमस्कार। आज हम सीखेंगे चॉकलेटी गोलगप्पा, वो भी घर के बचे हुए सामान से। नमकीन गोलगप्पे तो सभी ने खाए हैं, क्या कभी चॉकलेट के गोलगप्पे खाए हैं आपने? इस स्नैक्स को किसी भी पार्टी में सर्व कर सकते हैं, जैसे कि अब न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, और बर्थडे पार्टी में भी बच्चे बहुत ही एंजॉय करेंगे। इसे बनाने में भी बहुत ईजी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, और घर में रखी हुई चीज़ों से ही बनता है। बची कुची जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से बना रही हूँ इसे। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें गोलगप्पे चाहिए होंगे। ये गोलगप्पे मैंने सूजी वाले लिए हैं, आप आटे वाले भी ले सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा ब्रिटानिया केक पड़ा था, वो मैंने ले लिया है, और ये चॉकलेट कंपाउंड ले लिया है, ये मैंने करीब 250 ग्राम लिया है, और ये व्हिप्ड क्रीम है, ये भी मेरे पास रखी हुई थी, और ये अनार के दाने हैं। इनसे इसको सजाएंगे। डेकोरेट करने के लिए आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद हो। आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट को पिघला लेते हैं। इसके लिए एक स्टील के बर्तन के ऊपर एक बाउल रखना है, और इसमें चॉकलेट रख देनी है। स्टीम में ही ये चॉकलेट पिघलेगी। थोड़ी ही देर में पूरी चॉकलेट पिघल जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। चॉकलेट को प्रॉपर मेल्ट करने का क्या तरीका है, चॉकलेट कैसे बनाते हैं, ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूँगी। इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा देर भी नहीं लगती है, 5 से 7 मिनट में ही चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट मेल्ट हो गई है, अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं इसी तरह चलाते हुए। अब सबसे पहले ये गोल गप्पे हैं, इनको हम आगे से हल्का सा फोड़ लेंगे, और इनका जो बैक साइड है इसको हम चॉकलेट में डिप करेंगे, और इसे उल्टा करके एक प्लेट पे रखते जाएंगे। उसके पहले ध्यान दे दें कि चॉकलेट का ये गोलगप्पा नीचे से पूरी तरह से कवर हो गया है या नहीं। ये देखिए, इस तरह से पूरा हमने गोलगप्पे को कवर कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी के गोलगप्पे भी पीछे से बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। एक एक गोलगप्पा उठाना है और इसे अच्छी तरह से डिप कर लेना है चॉकलेट में, और इसे उल्टा करके एक प्लेट पर रखते जाएंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाला स्नैक्स है ये। मैंने सारे गोलगप्पे चॉकलेट में डिप कर लिए हैं, अब इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अगर हम इसे जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो इसे हम फ्रीजर में रख सकते हैं, क्योंकि बाहर तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आइए इन्हें फ्रीजर में रखते हैं। जब तक गोलगप्पे ठंडे हो रहे हैं तब तक एक पाइपिंग बैग लेते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई बात नहीं, एक पॉलीथिन ले लें, हम इसी को पाइपिंग बैग बना लेंगे। इसके लिए एक ग्लास या कोई चौड़ा सा बर्तन ले लें, मैंने ये डिस्पोजल बॉक्स ले लिया है। इसके ऊपर ये पॉलीथिन डाल लेते हैं, और इसी में ये व्हिप्ड क्रीम है, ये क्रीम मैंने पहले से ही व्हिप्ड करके रखी थी, इसी में इसे डाल लेते हैं, और ऊपर से इसे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। आप चाहें तो एक रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं यहाँ पर, कुछ इस तरह से। चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो गई है, अब इसे किसी नाइफ से धीरे से निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे गोलगप्पों को निकाल लेंगे। सारे गोलगप्पे एक प्लेट में अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। मेरे पास ये थोड़ा सा केक बचा हुआ है, इसे मैं हल्का सा चूरा बना लूँगी, और इसी गोलगप्पे के अंदर थोड़ा थोड़ा सा फिल करेंगे। सारे गोलगप्पों में मैं ये केक फिल कर लूँगी। थोड़ा ध्यान से करें, बहुत सॉफ्ट है ये। आज मेरे संग मेरी एक फ्रेंड भी है जो मेरी हेल्प कर रही है,
आज का ये स्टार्टर केक का भी टेस्ट देगा, पेस्ट्री का भी टेस्ट देगा और आइसक्रीम का भी टेस्ट देगा। बहुत ही अलग सा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अब ये जो क्रीम का मैंने पाइपिंग बैग बनाया है, इसको हम साइड से कट करेंगे, एक्स्ट्रा पॉलीथीन निकालेंगे और इसमें थोड़ा सा मोटा छेद कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें स्टार का नोज़ल लगा सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल बना रही हूँ, जिसके पास नहीं है वो कैसे करे, इस वजह से देखिए चॉकलेट का गोल गप्पा, उसके ऊपर केक का मिक्सचर और उसके ऊपर ये आइसिंग। अच्छी तरह से इसे फिल कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से सारे गोलगप्पे मैंने फिल कर लिए हैं। अब इनको सजाने की बारी आती है, इसको हम कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से एप्पल के पतले पतले स्लाइस ले लिए हैं, उसे लगा देते हैं। कुछ में ये वर्मीसिली लगा देते हैं, केक आइसिंग के ऊपर डेकोरेट करते हैं हम इसे। कुछ में ये अनार के दाने लगाते हैं। आप कैसे भी इसे सजा सकते हैं, आप इसमें मिंट लीफ भी लगा सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स लगा सकते हैं, बिस्किट लगा सकते हैं, चॉकलेट लगा सकते हैं। ये मेरे पास अनारदाने की गोली है, मैंने वो लगा दी। कुछ को ऑरेंज के स्लाइस से डेकोरेट करते हैं। सारे चॉकलेट के गोलगप्पे तैयार हो गए हैं, आइए अब इन्हें सर्व करते हैं। आप अपने बच्चों की फेवरेट पसंद की चीज़ों से इसे डेकोरेट करिए। चॉकलेटी गोलगप्पे तैयार हैं, आप भी इसे बनाइए और ज़रूर बताइए आपके कैसे बने। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।